Wingard somehow. ये इन्हीं का ड्रॉप है मैंशन प्रिजन का एरिया, सो डिफेंड करना पड़ेगा। क्या बात जोनाथन, ये लोड आउट बदला इन्होंने। वो पहले नहीं चलाते थे, वो डीबीएस चलाते थे बीच में, बट सामने से स्किप्स आए जो डीबीएस के साथ आए थे। जोनाथन ने टीपी पे एडवांटेज बहुत अच्छा लिया, वहां पे अपने अपोनेंट को नॉक किया, फिनिश किया। क्या जोनाथन फॉर्म में आ रहे हैं, क्या ये जोनाथन की वापसी है। मीनवाइल न्यूमन गेमिंग, उनके सामने अब इनसेन नामक चुनौती, जहां पे जैजी बचे हैं आखिरी प्लेयर। बट न्यूमन गेमिंग एक बार जैसी को खत्म अगर उन्होंने कर दिया, फिर जैसी ने यहाँ पे खत्म कर दिया, ये क्लच देखने वाली बात होगी। मोलोटोव कहना जरूर है, रैंडम स्प्रे, फ्री फायर, हर किसी के साथ जैसी कोशिश करते हैं। टेक्स वन डाउन, बट फिनिश नहीं मिलेगा। फिनिश किसको मिलेगा? फिनिश आदित्य को मिलेगा। आदित्य, क्या बात है। बट अब एक थर्ड पार्टी की गुहार लगाती हुई गॉड लाइक, और उनके सामने न्यूमन गेमिंग। नॉक निकाला था, धीरे धीरे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। न्यूमन गेमिंग के चार खिलाड़ी थे, लेकिन सी गॉड का एक और ग्रेनेड क्लच गॉड को करेगा डाउन। मौका है, दस्तूर है, बढ़ना पड़ेगा आगे। ये मॉली कंफर्म करेगी या नहीं, एक खिलाड़ी डाउन है, कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है, बट इसी बीच थर्ड पार्टी आती हुई विंड गॉड हैज आल्सो कम फॉर द फाइट। विंड गॉड, ये एरिया उनका है और अब आ चुके हैं फाइट में। गजब की ये बैटल चलती हुई, ट्रिपल थ्रेट मैच। देखिए ये फोर्थ पार्टी हो गई यहाँ पे, बट आप समझदारी देखिए गॉडलाइक की, कितनी तेजी से वो यहाँ पे पीछे गए, और उसके बाद अब वो न्यूमन गेमिंग को अटैक कर नहीं कर रहे, वो वेट कर रहे थे, बट बाजी तो इनके ऊपर भी आएगी, मुश्किलों में फंसेगी टीम गॉडलाइक भी। न्यूमन गेमिंग विक्सकी को गिरा जाएगा डाउन, जैसे ही गाड़ियों की आवाज उन्होंने सुनी ना, वो थोड़ा सा पीछे गए, बट आदित्य उनको डाउन किया गया। जोनाथन इज स्टिल देयर, न्यूमन के शैडो को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा एकी के द्वारा। जोनाथन वापस पीछे जाते हुए, इस फाइट के अंदर जीतना बहुत मुश्किल, नंबर्स गेम एडवांटेज बनाना बहुत मुश्किल, बट जी गॉड वो पहले अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद वो आदित्य को रिवाइव करने की कोशिश शायद करें, बट नहीं वो कर नहीं पाएंगे। जोनाथन जो पीछे गया, आईक्यू गेम प्ले, उन्होंने रास्ता बदला, उन्होंने किस्मत बदली, उन्होंने वे अलग बनाया और वहां से उन्होंने नॉक निकाला, बट क्या जी गॉड और जोनाथन की ये जोड़ी हरा पाएगी विंड गॉड को। सही समय पे मॉली का इस्तेमाल, बट यहाँ मॉली हल्का सा दूर रह गई, एकी का कंफर्मेशन आ सकता था। जोनाथन एंड जी गॉड दो खिलाड़ी बचे हुए हैं, फॉल बैक करने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। एंड एक और टीम की एंट्री होती हुई, न्यूमन बहुत ज्यादा मुश्किल में, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे जी गॉड। तो जी गॉड पे शॉट आए ग्रेनेड का सहारा, लेकिन मैक्स का ये ग्रेनेड पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ जी गॉड को करेगा डाउन। जोनाथन हैज टू फॉल बैक नाउ। ऑटो वॉच इसी बीच एलिमिनेट होती हुई, लेकिन विंडगॉड की तारीफ करनी पड़ेगी। गॉडलाइक अपने मोड में आ रही थी, अपने मोमेंटम को पकड़ रही थी, उसको रोक दिया है अभी विंडगॉड ने। जी हाँ, रोका तो है, बट मैं कह रहा था कि न्यूमन का एक प्लेयर वो अभी भी बचा हुआ है, एंड मैं देखना चाहूंगा क्लच गॉड क्या वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। जोनाथन को पोजीशन के बारे में शायद अंदाजा नहीं, जोनाथन यहाँ से बच के निकलना चाहते हैं, क्लच गॉड इनके सामने शॉट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जोनाथन का बचना थोड़ा सा मुश्किल, अब उतरना पड़ेगा गाड़ी से और अपने आप को सबसे पहले हील करने की आवश्यकता, बट क्या जोनाथन रुक पाएंगे। एक तरफ उनके पुराने दोस्त, एक तरफ क्लच गॉड, दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो उनके अपोनेंट विंड गॉड। गॉड्स के बीच का ये मुकाबला आएगी, थोड़ा पीछे गए बाकी में देखा नहीं क्या जोनाथन ने, व्हाट जस्ट हैपेंड देयर।